चैलेंज आपकी तरफ से किया जा रहा है कि भाई कुश्ती में मैं किसी को नहीं जीतने दूंगा जी। तो उसमें कितनी दम है जी? दम है। हाँ जी, मैं अभी तक कभी भी हारा नहीं। एक तो मैं ये गाय का दूध पीता हूँ, टिंडी की पग पाछे जितना भी थे ओए खा लेंदे, लुकमा छपमा कदे मलाई लेते हो आप? हाँ, मलाई थे जंदी मलाई। तो एक पुरानी कहावत है कि शेर को सवा शेर सदा मिलते आए हैं, तो अगर कोई चैलेंज करे तो आपका एड्रेस दे दूँ, आपका नंबर दे दूँ मैं उनको? अगर घर ताई वो मालिश करने तो कुश्ती कर लिए इस गेला। अच्छा, उसने बोली ये बात? हाँ। अच्छा, फिर मैंने ये चित करके फिर माँ भाई भी इस तरह तू भी लेश कर को मालिश करने वाली है ना। अच्छा, ठीक बात है। हाँ। अच्छा, आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पे हम आपको अद्भुत अद्भुत वीडियो हम दिखाते रहते हैं, और आज मैं मौजूद हूं हरियाणा के रोहतक ज़िले के संगी खिडवाले गांव में, और खिडवाले गांव का ये जो मंदिर है यहाँ पर हम बैठे हैं। और जो ताऊ जी हमारे साथ, आप जो पीछे कैमरे पर देख रहे होगे, आपके दिमाग में होगा पता नहीं कैसा कंटेंट है, क्या वीडियो है। तो जो ताऊ जी हैं, इनके अगर हम बात करें, उम्र करीबन 74 साल के आसपास जो इनकी उम्र है, और जो पहलवानी है वो स्टार्टिंग से बोल रहे कि पहलवानी करते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, और पूरे हरियाणा, पूरा रोहतक, पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत में जो पहलवान है बोलते हैं कि छुट्टी बोलते हैं कि भाई मेरे से कोई भी आप कुश्ती कर सकते हो, कोई भी गेम मेरे साथ खेल सकते हो, मैं जीतने नहीं दूंगा। यही बात है ताऊ जी? जी, चैलेंज कर रहे हो आप? बिल्कुल कर रहे हैं। तो ताऊ जी जो है चैलेंज कर रहे हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे कौन कौन से खेल खेलते हैं, और जो इनके जो साथी हैं, क्योंकि उम्र जो है 74 साल है, आराम से बैठ के यहाँ जो ताश ये खेल रहे थे यहाँ पे हम पहुँचे, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। अच्छा जी, आपकी अगर हम बात करें उम्र की, तो उम्र कितनी है वो बताएं? ये जी 1-1-48। 1-1-48, 74 की होगी, 74 की होगी। हाँ जी। तो एक दावा आपकी तरफ से किया जा रहा है, एक चैलेंज आपकी तरफ से किया जा रहा है कि भाई कुश्ती में मैं किसी को नहीं जीतने दूंगा। जी। तो उसमें कितनी दम है? दम है जी। दम है जी। हाँ जी, मैं अभी तक कभी भी हारा नहीं हूँ। भगवान की दया, बड़ों का आशीर्वाद और पब्लिक का साथ। हाँ जी। अच्छा जी, कब से जो हुआ आप गेम करते हो? शुरुआत बचपन से ही जो? हाँ जी, हाँ जी, वो पिताजी के तरफ से विरासत में मिली थी पहलवानी। अच्छा। हाँ जी, वो भी पहलवान थे, छोटे 6 फुट लंबे। हाँ जी, फिर बचपन से मैं भी कर रहा था। हाँ। और बीच में थोड़ा गैप दिया था, बीच में वो लड़का कर रहा था। हाँ। लड़का अब 6 साल से छोड़ दिया, मगर अब मैं करूँगा दोबारा भाई। अच्छा। जी जी। अच्छा ताऊ जी, गेम की अगर बात करें तो कौन सा गेम आप जो हो खेलते हो, कौन सा खेल खेलते? कुश्ती। कुश्ती करते। कुश्ती कुश्ती करते हो, कुश्ती के पहलवान है? हाँ जी। हाँ। अच्छा, तो जो अगर हम बात करें, कोई अगर चैलेंज करता है कि भाई मैं ताऊ जी के साथ करना चाह रहा हूँ, कोई ताऊ जी और भी हो सकता है, जो एक पुराने का होते कि शेर को सवा शेर सदा मिलते आए हैं, तो अगर कोई चैलेंज करे तो आपका एड्रेस दे दूँ, आपका नंबर दे दूँ मैं उनको? जी, तो ये बिल्कुल तैयार है। और इनकी अगर हम बात करें, आज तक जैसे जो कुश्ती होती है, जो खेल होते हैं, तो कहाँ कहाँ जो आप खेल गए हो ताऊ जी? बालोठ गाँव में, बराण गाँव में। हाँ। और जी ज्यादा तो मतलब बालट गांव में लगातार है। फिर यहाँ रोहतक हो रही थी। मेरे पास सारी वीडियो फोटो सब है। इस उम्र में बहुत मुश्किल होता है, 60+ होने के बाद जो है सरकार ही रिटायरमेंट कर देती है, लेकिन आप फिर भी खेल रहे हो, उसकी क्या रियलिटी होगी? एक तो मैं जी गाय का दूध पीता हूँ, ठीक है, बस ये नॉर्मल खाना है, नॉर्मल खाना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहलवान नहीं कराया करते तो उस टाइम पे तो चने चुने और जो प्रोटीन प्रोटीन ये आजकल जो सिस्टम चल रहा है इसमें तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ना? पहले कुछ नहीं था जी। पहले तो अपना टिंडी की पग पाछे जितना भी थे वो खा लेंदे, लुकमा छपमा कदे मलाई लेते हो आप? हाँ, मलाई थे जंदी मलाई, बल्कि थोड़ी का होती है देगी कुंडा होया करता है छेरा वाला। अच्छा। दूध बटे कर दी और उसमें एक
वो सनकतरा दे गए और उसमें लपेट के काटली मलाई खा ली खाली बूढ़ी बूढ़िया माता ने कहो ना तो बिल्ली ने खा रखी या खाई कैसे पीछे से खा लेते थे वो न्यू की न्यू निकल जाए ना सुराख होते हैं उसमें जाबली बोलते हैं उसको हम कुंडा बोलना अच्छा कुंडा बोलते हैं जी जी छेद होते हैं अच्छा अभी फिलहाल जो है वो आप क्या करते हो ताऊ जी कहीं यही काम करते हो या फिर कोई नौकरी वगैरह क्या नौकरी करते हैं कहाँ नौकरी करते हो पठानिया स्कूल पठानिया स्कूल में नौकरी करते हो तो वहाँ क्या नौकरी करते हो आप कंडक्टरी अच्छा वहाँ स्कूल में की सेवा बच्चों की सेवा कर रहे हो वो भी एक अच्छी बात है देखो साथ ही साथ कुश्ती भी कर रहे हो और वो भी कर रहे हो जी 3:30 बजे वहाँ से आ लेते हैं सुबह बाइक से जाते हैं और 3:30 बजे आ लेते हैं 3:30 बजे जो चाय पानी पिया फिर यहाँ आगे मंदिर में अच्छा अब रोटियाँ टेम होगा जब घर तो कुछ परसेंट जो अपना जो कसरत होती है वो करते हो दिन में सुबह शाम वो किसी को दिखा के नहीं करता जी मैं ये मेरी मतलब असली पहचान है अच्छा किसी को पता नहीं चलने देते करता हूँ मैं ऊपर आपने दोबारा देखा बस जितना मेरा दम है मैं करता हूँ ना करता हूँ अपना अलग से किसी को पता नहीं होता नहीं देखा सुबह की सैर है अच्छा जी हाँ सुबह सैर तो सुबह सैर करते हो हाँ जी सभी आते हैं ताऊ जी फिर ये तो हाँ ये तकरीबन स्कूल जाने से पहले ही सैर करते हैं 4 बजे डेली उठना आज 4 बजे डेली उठना बारू मार्च हाँ तो कहीं ना कहीं उसका भी आपको फायदा मिल रहा है सुबह सुबह शुद्ध हवा ले रहे हो बिल्कुल जी सुबह की तो आप किसी से पूछ लियो और कोई बोल देगा भाई बहुत अच्छी आपके साथ वाले जो ताऊ जी ये नहीं बोलते कि भाई अब तो छोड़ दे अब तो बुढ़ापा आ गया 60-70 साल का हो गया कुछ ऐसा बोलते इनको खुद पता है ये मानने वाला नहीं है ये मानने अपनी बड़ाई नहीं करा करते ये छोड़े को नहीं अच्छा खुद भगवान ने पता नहीं कि आडंगा ताकत क्या दे रखा है मेरे को भी नहीं मालूम अच्छा जी लेकिन मेरे में दूसरे के साथ कुश्ती लड़ता हूँ ना वो जैसे बाली में आ जाता ना दूना ऐसे आ जाता खून बड़ा हो जाता है अगर इसको तो मतलब चित करके ही दम लेना है जी। अच्छा अगर हम आपकी फोटोज दिखाना चाहें एक बार दिखाना था जी काफी सारी फोटोज जो भाई वो भाई इनकी तरफ से क्लिक की गई है ये इनकी जो फोटो है अगर मैं दिखाना चाहूँ तो काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दूसरी वीडियो में भी जो है वो देखने को मिलेंगे ये जो फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे जीतने के बाद जो फोटो है ये है और ये जो जो बोलते हैं कुश्ती में जो चित्रकरणा बोलते हैं यानी कि ये जीत गए और जो नीचे हैं वो हार गए ये आप साफ साफ देख सकते हो काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स हैं इनाम देने की फोटोग्राफ्स है और ये तो मेरे ख्याल से कंडक्टर वाली ड्रेस में ही है ये तो स्कूल टाइम की है और ये सतीश चेयरमैन होया करते अच्छा देते हुए ये गुजर गया अच्छा ताऊ जी एक बात और भी है जो युवा हैं जो आजकल खेल से परे हैं जी उनको क्या मैसेज देना चाहोगे वो तो ये मैसेज है भाई मतलब अच्छा थोड़ा अच्छा है सुबह उठो एक तो पहली बात है शरीर मतलब दूना तंदुरुस्त रहेगा अच्छा हाँ सुबह की सैर सबसे अच्छी है सबसे अच्छी और बैलों से बच के ना अगर इसमें अपना आदमी इस लाइन में जाएगा ना तो सेहत तो योगी यूँ रहेगी अच्छा ताऊ जी 70 साल हो गए आपने जब शुरुआत से पहलवानी करते थे और अब करते हैं जो आप देखते हो उसमें और अब में कितना क्या कुछ फर्क आपको लगता है देखो खाने पीने में रहने ऐसा में है जी हाँ उस टाइम में ये मान्य नहीं करता भाई तेरे को कोई चित भी कर देगा अब दम तो चढ़ जाए अच्छा सांस चढ़ जाते हैं अब दम चढ़ जाते हैं ऐसी अपने वेट वालों को भी नहीं छोड़ता हाँ जी जो इसके वेट के हैं इसकी उम्र के हैं उसके सबके लिए ये चेतावनी है कि कोई भी आओ और हर साल बालोट में 8वें अच्छा मेला होता है उसने 6 साल हो गए अपनी वेट वालों को विजेता होते हुए 6 साल से लगातार जीत रहे कोई गांव में और कोई नहीं है नहीं, ये आपके सामने ये तस्वीर ये फोटो भी दिखा दिए हैं कहते सुने आई दिए मैंने दंगल में ये दंगल पूरा है ये देखो ये है सतीश चेयरमैन जी कोरोना में गुजर गए थे ये पिछले साल ये 31 होगी ये देखो पूरा दंगल है ये कहते हुए दिखाई दिए मैं 10 मिनट तक घूमे गया कोई नहीं आया अच्छा अब ये तो खटवाड़ी का बुढ़ा छोड़े नहीं किसी ने
अच्छा हाँ, कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई कहीं कोई गेम चल रहा हो और जो दूसरा जो बुजुर्ग है कोई ताऊ है वो जीत रहा हो और आप उचंती जैसे एकदम से वहाँ पहुँच गए हो कि भाई वो छुट्टी बोल रहा है वहाँ पहुँच गए, कुछ ऐसा इंसिडेंट कुछ आपके साथ हुआ हो कभी? ना जी ना, ये पहले ही चला जाता है, ये पता लग जाता है इस तारीख मैं तो बाट देखे जा। अच्छा स्कूल वाली जो आप बता रहे थे ना कि वो स्कूल? हाँ हाँ हाँ, ये स्कूल में मैं छुट्टी हुई थी, ये बुढ़ों की छुट्टी दे रहा था। अच्छा कौन से ये? नहीं नहीं नहीं, ये वाले? हाँ ये बुढ़ा छुट्टी दे रहा था। अच्छा मगर उम्र से मैं तो आपसे छोटा हूँ लेकिन मैं बुढ़ा ही हूँ। हाँ। आ जाओ। अच्छा जी, बोला फिर जो अलाउंस कर रहा था। हाँ। वो बोला देखना भाई तू तो स्कूल में था, इन्हें कल रुड़की मार लिया था एक। अच्छा दिया। हाँ ठीक है, अगर घर ताई वो मालिश करने तो कुश्ती कर लिए गेला। अच्छा कोच ने बोली ये बात? हाँ। अच्छा फिर मैंने चित करके। हाँ। फिर मैं भाई भी इस तरह तू बुझ ले इसके को मालिश करने वाली है ना। अच्छा ठीक बात है। हाँ। अच्छा तो अभी फिलहाल जो है और क्या क्या तैयारियां आपकी हैं भाई आगे इन फ्यूचर, अगर हरियाणा से बाहर भी खेलने जाओ या पूरे हरियाणा में कहीं भी आपको कोई? देखो ये बाहर की फैसिलिटी मेरे को मिल नहीं रही, अरे गांव के हिसाब से हूँ ये मैं छोड़ता नहीं। नहीं रास्ता नहीं मिल रहा जी, जी। रास्ता दिखाने वाले आप हो, आपका सहयोग है मीडिया के माध्यम से, जो अपने वेट में जाने के लिए बाहर तैयार है। तैयार है। 25 मार्च का था ये, महीना हुआ भी नहीं है। ठीक है, 25 मार्च का था जो हुआ, उससे पहले 4 अप्रैल लगा था ये वाला नीचे वाला। ठीक है ठीक है। तो भाई जो ताऊ है इनकी उम्र जो है 74 साल होगी ताऊ जी, 74 साल की उम्र है और आज भी इस उम्र में जो है कुश्ती करते हैं और जो पहलवानी बोलते हैं कि छुट्टी बोलना कि भाई मेरी बराबरी कोई करके दिखाए वो छुट्टी बोलते, पूरे हरियाणा के ही नहीं पूरे भारत में कुश्ती में जो है इन्हें छुट्टी बोल रहे कि कोई भी आके मेरे साथ कुश्ती लड़ सकता है। तो तमाम जो बुजुर्ग थे इनके साथ के यहाँ पे पहुँचे और जो एक खास बात और भी देखने को मिली कि आज भी स्कूल में नौकरी करते हैं लेकिन उसके साथ साथ शरीर का भी ख्याल रखते हैं, सबसे अच्छी बात ये लगी। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव रोहतक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता जी। ये जिस परिवार से जो अपनी उम्र से 6 साल से जीतता रहा है, ये बचपन से ही इसने हम भी देखते आए हैं, ये 3-4 पीढ़ी से इसके परिवार में कुश्ती का बहुत बड़ा शौक है। तीसरी चौथी पीढ़ी में मनीष पहलवान ने भी 10-12 साल हो गया, उसकी भी बहुत अच्छी सारा नौकरी जाए और कहीं भी वो अपनी वेट में तकरीबन जीतता आया है और बाहर भी गया हो। चलो हमारी भी कोशिश रहेगी इन फ्यूचर, अगर कहीं ऐसा प्रोग्राम होता है कोई दंगल होता है तो जरूर ताऊ जी को इन्फॉर्म करेंगे और अगर कोई इनसे संपर्क करना चाहे तो इनका जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिए, इनका मोबाइल नंबर और जो एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।